नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपना एनालिसिस किया था। क्या किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे वीकनेस आएगी। दोस्तों, फाइनली चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर फटाफट से मैं 5 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मार्केट था आज ओपन तो गैप अप हुआ 20-30 पॉइंट, लेकिन मार्केट खुलते के साथ विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर मार्केट नेगेटिव जोन में आ चुकी थी। यह इसलिए हुआ दोस्तों, ये कि मतलब बड़ा प्लेयर जो था वो नेगेटिव साइड में बैठा हुआ था और उसकी पोजीशंस होल्ड जो थी वो नेगेटिव पोजीशंस होल्ड थी, और मार्केट जो है फटाफट से 10 बजे तक आपका मार्केट जो है 18,600 के आसपास आ चुका था। दोस्तों, मार्केट 150 पॉइंट गिर चुका था और मार्केट में नेगेटिविटी थी, और क्योंकि बड़े प्लेयर्स कैरी फॉरवर्ड कर गए थे अपनी पोजीशंस को नेगेटिव साइड की। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। पहली चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा, बात रखने की है, क्या हमको सीखने को मिला कि जैसी पोजीशंस बड़ा प्लेयर कैरी फॉरवर्ड करके जाता है तो वो मार्केट को अपने साइड में कर ही लेता है, इसलिए बड़े प्लेयर की पोजिशन पे हमेशा नजर होनी चाहिए। आज हमको मार्केट में गैप अप मिला, बट उसके बाद भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको स्टार्टिंग के सेशन में मिली देखने को। तो इसलिए हम लोग अपने वीडियोस के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या दिखाते हैं, बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो चीज हमने आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मतलब पिछले वीडियो का एनालिसिस, जो कि आज भी ठीक गया और मार्केट के अंदर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो पहला सपोर्ट लेगी वो आपका 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास लेगी, और इसके नीचे अगर क्लोज करती है तभी हम सोचेंगे कि हाँ भाई मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। ये भी हमने एनालिसिस किया था अपनी लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ पे पोस्ट की थी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, मार्केट वैसे ही चल रहा है जैसे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, और इट इज गुड फॉर अस कि मार्केट हमारी एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, हम आपको ये भी दिखा देते हैं फटाफट से कि जब आज मार्केट के अंदर सुबह सुबह गिरावट थी तब वहां पर जो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे कौन, एफआईआईज और प्रोपराइटर्स अपनी कॉलेटिंग की पोजीशंस, वो सारी की सारी पोजीशंस उन्होंने प्रॉफिट में क्लोज कर दी, क्योंकि मार्केट जब था 18,600 के आसपास आ चुका था और कॉल राइटिंग जो थी इस हफ्ते की जो उन्होंने कर रखी थी वो सारी की सारी प्रॉफिट में आ चुकी थी। किसकी, बड़े प्लेयर्स की। तो ये बड़ा प्लेयर्स ने आज ही पैसा कमाया, और जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो लोग हमेशा की तरह आज भी लॉस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड करी थी, ये मैंने आपको फ्राइडे वाली वीडियो में भी दिखाया था, और ये लोगों ने आज कॉल बाइंग को लॉस में क्लोज किया। कहाँ क्लोज किया, 18,600 के आसपास क्लोज किया। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब हमेशा होता ही है, मार्केट ऐसा ही करती है कि जो लोग जो पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स की होती हैं उसके अगेंस्ट में ही यहाँ पे मूव करता है मार्केट, और ये लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं जो एफआईआईज और प्रोपराइटर्स हैं। दोस्तों, फटाफट से मैं बता देता हूँ कि आज की डेट में जो मंडे के दिन जो इन्होंने पोजीशंस बनाई हैं प्रोपराइटर्स ने, वो पुट राइटिंग की बनाई है, और ये पुट बाइंग की जो पोजीशंस हैं ये लोग इन्होंने रिटेल ट्रेडर्स ने बनाई हैं, जो कि इस वक्त लॉस में चल रही हैं। पुट राइटिंग की जो प्रॉफिट में पोजीशंस इस वक्त होल्ड करके बैठे हुए हैं पुट राइटर और एफआईआई, सॉरी प्रोपराइटर्स और एफआईआई दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो मार्केट के अंदर इस वक्त जो है एफआईआई ना तो कुछ कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल बैठे हुए हैं, मतलब ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखना कि न्यूट्रल बैठे हुए हैं। हाँ, डीआई जो है मार्केट के अंदर पंप कर रहे हैं पैसा, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, और दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप चलते रहेंगे तो होगा क्या कि मार्केट की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ठीक है, तो इस बात को भी ख्याल जरूर रखना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं बड़े प्लेयर, वो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। एफआईआई कुछ नहीं कर रहे इक्विटीज में, मोस्टली वो 500 हजार करोड़ की या तो सेलिंग कर लेते हैं या बाइंग करते हैं, मतलब ओवरऑल जो इनका इक्विटी का पोर्टफोलियो दिसंबर में अभी तक है दो तीन दिन हो चुके हैं, वो 1,000-1,100 करोड़ के आसपास ही नेगेटिव बैठा हुआ है, उसमें ज्यादा कोई इम्पैक्ट है नहीं। फ्यूचर्स की पोजिशंस में अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, 18,750 के आसपास इनका क्या कहते हैं फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजिशंस का जो लेवल है 21,000 का, वो अभी भी इनका होल्ड पे है, तो मतलब ठीक है। देखते हैं इस पोजिशन का क्या करेंगे। मेरे ख्याल से ये इन पोजिशंस को शॉर्ट्स कवर करके मार्केट के अंदर अप मूव लेके आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पुट राइटिंग की है। पुट राइटिंग इसलिए की है क्योंकि मतलब मार्केट के अंदर वो ज्यादा गिरावट नहीं देखना चाहते, तो ये पोजिशंस को वो अप मूव लेके आने के अंदर भी
क्या कहते हैं इसको यूज कर सकते हैं, इस बात का ख्याल जरूर रखना, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है मैं, मतलब मुझे। तो फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो भी आप देख सकते हो कि नीचे जाती हुई पोजिशंस जो है वो यहाँ पर रुकी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब रुक गई हैं अब अचानक से, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। बट मेरे हिसाब से अभी जो पोजिशंस हैं वो उनकी लॉन्ग साइड की हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूव नहीं देख रहे हैं FIIs फिलहाल, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव पोजिशन जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुकी हैं FIIs की। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की मिला के, और ऐसे ही प्रोपराइटर्स ने। और यहाँ पर जो बुलिश पोजिशन है वो नेगेटिवली, यानी कि पोजिशंस मतलब रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजिशन हैवी बुलिश थी उन्होंने क्लोज की हैं, और वो इसी वजह से मतलब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बेरिश होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो क्या है मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं फटाफट से यहाँ पर आप आगे क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए बड़ी अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पर, और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है आज। चाहे बेशक से 10 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हो, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन मार्केट के अंदर यहाँ हुई है। ये चार्ट जो है अब आपको क्या समझा रहे हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट के अंदर ये आज की कैंडल का जो हाई है जो 18728 के आसपास, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, मार्केट विल स्टार्ट टू मूव अगेन टू द अपसाइड। इस बात को ख्याल रखना। तो याद रखना आज का जो हाई है 18,200 700 मतलब 28, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं कल के दिन, और ये बहुत बढ़िया रहेगा बाइंग लेवल करने के लिए। ये मतलब आज का हाई टूटा मार्केट ऊपर, क्लियर, इस बात को ख्याल रखना। बात करते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलती है। तो ऑप्शन चेन जो है वो सिंपल बोल रही है। क्या चीज बोल रही है, 18,600 के ऊपर जो है आपके कॉल राइटर हैं, और ये 18,600 के ऊपर पुट राइटर हैं, ठीक है। साथ में 18,700 के ऊपर ही पुट राइटर आपको बहुत हैवीली दिख रहे हैं। तो ये सब पोजीशंस किसकी हैं, या FIIs और प्रोपराइटर्स की हैं, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर पुट राइटिंग की जा रही है अच्छी खासी, और ये शायद पुट राइटिंग कल और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आएगी, ये सब मेरा मानना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, FIIs यहाँ पर बुलिश होते नज़र आ रहे हैं, तो ये हमको दिख रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो ऑप्शन चेन भी यहाँ पर बुलिश ही है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी ने भी वही किया, 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और उठा। तो वही सेम एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी आल्सो, जैसे ही आज के दिन के हाई के ऊपर जाएगा तभी हम फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, और दैट विल लीड टू द दिस हाई, ठीक है। जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर जाते हुए मार्केट देख सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अगर बस आपको ये देखना है कि बस आज की कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जाना शुरू कर दे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लेवल्स भी प्ले करने हैं, पोजीशंस क्या हैं FIIs को मैंने आपको समझा दी हैं, और मार्केट के अंदर आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आपको समझाया भी था कि मार्केट के अंदर 18,500 से लेके 18,600 का ऐसा लेवल है ये, जो कि वो भी अपनी टेलीग्राम पे आपको ये लेवल दिया था, जो कि एक सपोर्ट का लेवल। तो आप लोग अगर इसके आसपास सपोर्ट के आसपास शॉर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल होगा। ये लाइव लेवल, लाइव मार्केट के अंदर लेवल दिए जाते हैं, आप लाइव मार्केट के अंदर लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई टिप्स नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आपको जरूर हेल्प मिलती रहेगी, वहाँ पर आप कोरिलेट करके अपने पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था एनालिसिस, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनालिसिस। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।